गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं डॉक्टर रोहन। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी क्लिनिक है हेल्थ फिजियोथेरेपी एंड रिहैब सेंटर करके है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा हम लोग धर्मकांटा ओडियन ट्रांसपोर्ट के सामने है, आजमगढ़ में। ओडियन ट्रांसपोर्ट, धर्मकांटा, आजमगढ़। चलिए। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहन सरोज। मैं आज आप लोगों को एक पेशेंट है जिनका जो है कि एल्बो जॉइंट फ्रैक्चर हुआ था, फिर उसमें जो है कि रेडियस बोन उनका टूट गया था, ठीक। फिर उन्होंने सर्जरी अपना कराया था, फिर उसके बाद हम लोग इनका एक्सरसाइज डेली करा रहे हैं। अब 3 महीने पूरे इनके हो गए हैं, ठीक है। चौथा महीना चल रहा है इनका, ठीक। इनका जो हम लोग एक्सटेंशन कराते हैं, इसमें जो है कि 2 या 3 डिग्री बस रुक गया है उनका, नहीं तो पूरा रेंज आ जाता है फिर, लेकिन वापस चला जाता है। इसलिए इसमें जो एक्सरसाइज डेली कराया जाता है, ऐसा नहीं कि 3 महीने में ही आ जाता, थोड़ा सा और भी टाइम लग सकता है। यह सब कंडीशन में सबका अलग अलग रहता है, जो पेशेंट रहते हैं सबका फ्रैक्चर अलग। अगर किसी का ये जो फ्रैक्चर रहता है, हम लोग ओलिक्रेनियन प्रोसेस रहता है, वहाँ से टूटा रहता है, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेता है, ठीक है। अगर रेडियस से मान लो ऊपर टूटा रहेगा, थोड़ा कम टाइम लगेगा, ठीक। लेकिन अगर हेड टूट जाता है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए हम लोग जो इनका एक्सरसाइज करा रहे हैं, 3 महीने हो गए हैं, क्योंकि बहुत से पेशेंट रहते हैं, उन लोगों का जल्दी सही हो जाता है, लेकिन किसी किसी का थोड़ा टाइम लग जाता है। आप भी अगर एक्सरसाइज डेली करते हैं तो आपका रेंज जरूर आएगा, ठीक। और इसमें क्या रहता है, जैसे एक्सटेंशन हम लोग करते हैं, इसमें कम से कम 60 सेकेंड तक होल्ड करके रखा जाता है। अगर आप 60 सेकेंड तक होल्ड करके रखेंगे, तभी जाके रेंज आएगा। पहले शुरू में क्या रहता था, ज़्यादा पेन होता था, इसलिए हम लोग जो है 12 सेकेंड 15 सेकेंड में छोड़ देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इनका जैसे कि हम लोग 60 सेकेंड होल्ड करते हैं, रखते हैं, फिर उसके बाद रिलैक्स करते हैं, फिर ले जाते हैं, फिर छोड़ते हैं। और इनका बहुत मतलब धीरे धीरे करके रेंज बहुत आ गया। पहले इनका पहले शुरू में इतना आ था इनका, ठीक। अब धीरे धीरे करते करते इतना आ गया, बस हल्का सा बाकी है, ठीक। और ये भी रेंज आ जाएगा धीरे धीरे करते हुए, जैसा कि आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, ठीक। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनका रेंज जो है 120 डिग्री तक फ्लेक्शन आ गया है। क्योंकि इनका जो है हेड ही टूट गया, इसकी वजह से रेंज आ नहीं रहा है। ये बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गया था, देखिए 120 डिग्री आ गया है, बस थोड़ा सा बाकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनका फुल एक्सटेंशन आ गया। इसमें 60 सेकंड हम लोग होल्ड करके रखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 15, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 16. 60 सेकंड पूरा होल्ड करके रखा जाएगा, जिससे कि इनका जो है एक्सटेंशन आएगा ही आएगा। फिर दूसरी बार फिर करते हैं।
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस। आप खोल करके मुट्ठी खोलिए। हाँ, इकतीस बत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस इकतालीस बयालीस तिरालीस चौवालीस पैंतालीस छियालीस उनचास पचास चौवन पचास छप्पन अठावन उनसठ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनका फुल एक्सटेंशन आ गया है और इनका 3 महीने पूरे हो गए, चौथा महीना चल रहा है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसमें रेंज आता है, फिर वापस थोड़ा चला जाता है, फिर अगले दिन यही करना पड़ता है। ठीक है, पेशेंट घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप डेली एक्सरसाइज करेंगे तो ज़रूर आपका आएगा। जैसे इनका आया वैसे आपका भी आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा।